यूं तो यूपी में पुलिस की दबंग गई तो कभी बार बाला पर नोटों की बारिश करते हुए यूपी पुलिस नजर आती है, लेकिन इस बार इटावा पुलिस ने अपनी दबंग गई एक मासूम पर दिखाई। जहां पहले तो मासूम पर चोरी का आरोप लगाकर थाने उसे लाया गया और फिर उसे छोड़ने की जगह पर 10,000 रुपए वसूल किए गए। इटावा के जनपद मैनपुरी के थाना करहल इलाके ग्राम नगरिया का रहने वाला ये 14 वर्षीय नाबालिग किशोर ओम सिंह अस्पताल से अपने पेट दर्द की दवा लेने आया था। सैफई थाने में तैनात दरोगा योगेंद्र शर्मा ने इसे सैफई के टेम्पो स्टैंड से पकड़ा और मोबाइल चोरी के आरोप में थाने ले आया। इस नाबालिग को दरोगा योगेंद्र ने पहले पुलिसिया यातनाएं दी और जब नाबालिग के पास से दरोगा को कोई भी चोरी का मोबाइल बरामद नहीं हो सका, तब दरोगा योगेंद्र ने इस नाबालिग की गरीब मां से सुविधा शुल्क 10,000 रुपए लेकर थाने से इस हिदायत के साथ छोड़ा कि अब दोबारा सैफई इलाके में मत दिखना। इस पीड़ित नाबालिग की मां ने बताया कि दरोगा योगेंद्र को सुविधा शुल्क के 10,000 रुपए देने इस पीड़ित नाबालिग का बड़ा भाई थाने गया तो दरोगा योगेंद्र ने उसे भी मारा पीटा। पुलिसिया यातनाओं का शिकार हुए इस नाबालिग के शरीर में अंदरूनी चोटें भी आई हैं। जब इस संबंध में एसएसपी इटावा से बात की गई तो उन्होंने जांच करने के बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। मैंने अपने बच्चा भेजा था दवा के लिए। अच्छा। तो दवा के लिए उन्होंने पुलिस दरोगा जी ने पकड़ लिया। अच्छा। हम तो मंजूरी भी चले गए, हमने भेजा दवा के लिए। हमारे बच्चे के ऊपर एक चोरी मोबाइल बरामद न हुआ और ना कोई माल झूठा इंजाम लगाया। तो हम तो मंजूरी हम नीरज जी पे 10,000 रुपया कर्जे हुए थे करके तब ले गया। तो हमने मेरे बच्चे को छोड़ा, मेरे बड़े बेटे को मारा। अच्छा। मेरे पति को घर से पकड़ ले लिया, हमारे गालियां दी है। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए नेशन वन के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।